चल आपके साथ। ओह शिट, मैं क्या बोल रही हूँ। और मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी बनीता यादव। आज मैं लेके आ चुकी हूँ और एक DIY फेस मास्क। मैंने सोचा कि ना आपके साथ ये वाला DIY फेस मास्क शेयर करूँ। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि नाइट स्किन केयर में कौन सा फेस मास्क यूज़ करे, तो कौन सा यूज़ करना बेटर रहेगा। कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी मैं DIY वगैरह आप लोग के लिए लेके आऊँ ये ऑल स्किन टाइप्स हो। तो क्या होता है ना, हर किसी को मतलब दिक्कत नहीं आती है, हर कोई इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब कोई मैटर ही नहीं करता है, हर कोई इसको यूज़ कर सकते हैं। देखती हूँ आपको इसके बेनिफिट्स। ये पिगमेंटेशन दूर करने में हेल्प करेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, आपकी स्किन अगर ड्राई होती है उसको कम करेगा, एक्ने पिंपल अगर हैं तो उसको भी बहुत हद तक कम करेगा। हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हार्मफुल केमिकल से ज़्यादा आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स हमारे स्किन को एकदम रफ और धीरे धीरे डैमेज कर देती है। और जो हम लोग प्रोडक्ट्स ज़्यादातर कॉस्टली वगैरह होते हैं वो हम लोग खरीद नहीं पाते हैं, और ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होता है ना, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ईजिली हमारे किचन में ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये दिन ब दिन आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोई और फ्रेश और यूथफुल बना देती है। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी, मेकअप को थोड़ा सा दूर रख के हमेशा आप उस पर फोकस करो कि आपकी स्किन ओरिजिनली नेचुरली ग्लोई और यूथफुल लगे। ये जो DIY फेस मास्क है ना, आप जब लगाओगे आप एक ही वॉश में आप देख सकोगे कि स्किन एकदम हेल्दी और ग्लोइंग लगने लगेगी। आपको ये जो मास्क है ना, रात को लगाना है, आप जब सोने जाते हो उसके पहले आप लगा लो, आप कोई भी काम करो उस मास्क को आप लगा के आराम से काम वगैरह कर सकते हो। आप इसको कोरियन स्किन केयर भी बोल सकते हो। ये जैसे कोरियन स्किन केयर में जो राइस होता है ना वो बहुत ज़्यादा उन लोग इंक्लूड करते हैं, और वैसे भी राइस हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट फेस मास्क है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादातर मैं विंटर भी इसको लगाती हूँ क्योंकि मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और ये बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है। और आप डेली बेसिस में भी लगा सकते हो, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में 3 या 4 दिन इसको लगा सकते हो। देर किस बात की है और वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फेस मास्क बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ राइस का। जो हम लोग राइस पकाते हैं, थोड़ा सा गीला वाला जो राइस होता है उसको एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी, और आपने देखा है मैंने यहाँ पे कटोरी में निकाल लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा 1 स्पून आप रॉ मिल्क डाल लो, उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लो। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब बारी आती है इसमें हम लोग कुछ इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करेंगे, जैसे विटामिन ई ऑयल में 2 यहाँ पर मिक्स करने वाली हूँ। उसके बाद 1 स्पून ग्लिसरीन मिक्स कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, आप आलमंड ऑयल भी इस पर मतलब मिक्स कर सकते हो, या आप कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये जो प्रोडक्ट है एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है लगाने के लिए, और मैं अपने फुल फेस में ये लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो आप नेक पे भी लगा सकते हो। और ये फेस जो मास्क है इसको आपको 10 मिनट्स तक रखना है, ज़्यादा सूखने नहीं देना है, 10 मिनट्स के बाद ही आपको अच्छे से धो लेना है। और इसको धोना कैसे, आपको हल्का हल्का स्क्रबिंग जैसा करना है, स्क्रब करने के बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस धो लो। अगर आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक ये मास्क काम करेगा। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो मेरी स्किन पहले से कितनी फ्रेश लग रही है, ग्लोई लग रही है। आप यहाँ पे अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ।
और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी स्किन एकदम पार्लर जैसे ग्लो देगी। और ये जो मास्क है ना, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जैसे आपके हैंड्स हो गया, आपके लेग्स पे, कहीं पे भी टैनिंग भी अगर है ना, ये बहुत हद तक ये काम करता है। और साथ ही साथ आप विद इन ए वीक देख सकते हो आपकी स्किन पहले से और ज़्यादा बेटर दिखने लगेगी डे बाई डे। गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये जो DIY मास्क हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए, आज का ये DIY पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हियर यू विल सी वन स्मॉल बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन आई पुट एनी ऑफ द वीडियो। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर।